हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्म ऑरिजिन। दोस्तों, रोज़मर्रा की जीवन में हम लोग रोज़ ऐसी खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें से कुछ हमारे लिए हेल्दी होते हैं और कुछ नुकसानदायक भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम लोग जाने अनजाने में इसे यूज़ कर रहे हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक है, जहर है। किसी भी हाल में हमें इससे बचना चाहिए, किसी केस में ये मौत का कारण भी बन सकती है। तो हेलो दोस्त, मेरा नाम है विपुल, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं हेल्थ से जुड़ी और मेडिसिन से जुड़ी और रोगों से जुड़ी हर जानकारी को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो आपके लिए टॉक्सिक है, जहर है। तो कौन ऐसे 5 पॉइजनस फूड हैं, चलिए जान लेते हैं। तो नंबर 1 पे आता है पहली पॉइजनस फूड, जिसका नाम है ग्रीन पोटैटो। हरे आलू में 2 चीज़ें पाई जाती है। पहला होता है क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट है, इसी के वजह से आलू हरा दिखता है। इसको खाने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दूसरी जो कंपाउंड होती है वो होता है सोलेनेसी। सोलेनेसी एक न्यूरोटॉक्सिक होता है जो हमारे लिए जहर का काम करता है। एक्सेस मात्रा में आपने अगर ग्रीन पोटैटो को यानी कि सोलेनेसी को कंज्यूम कर लिया तो आपके अंदर सीवियर सिम्टम दिखाई देंगे, जैसे वोमिटिंग, नोजिया, इंटरनल ब्लीडिंग, डिजीनेस, बहुत सारे सिम्टम दिखाई देंगे और आपको परेशान कर देगा। थोड़ी सी मात्रा आपको परेशान करने के लिए काफ़ी है। एक्सट्रीम केस में कोमा या डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप हरे आलू को खरीद रहे हैं, जाने अनजाने में यूज़ कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। रिपोर्ट में आया था कि 450 ग्राम का ग्रीन पोटैटो अगर कोई कंज्यूम कर लेता है तो एक अच्छे खासे एडल्ट की मृत्यु हो सकती है। इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी उसके अंदर पाई जाती है। इसलिए ग्रीन पोटैटो को बिल्कुल भी ना खरीदें, ना उसे कंज्यूम करें। दूसरा जो हमारा पॉइजनस फूड है वो है नटमेग, जो हिंदी में इसे हम जायफल कहते हैं। ये इंडियन रेसिपी यानी कि मसालों में पाए जाते हैं। जितने भी आप स्पाइसी जो देखते हो, मसाले जितने तरह के होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। नटमेग में एक कंपाउंड होता है जिसे हम मायरिस्टिसिन कहते हैं। नटमेग जब हमारे बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है तो इसके वजह से हमारी बॉडी में एक ऐसा कंपाउंड जनरेट होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को हार्म करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का काम करता है। और इसका ओवरडोज होने पे डिजीनेस, पल्पिनेशन, नोजिया, वोमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, बहुत सारे सिम्टम, ऐसे सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और यहाँ तक कि इंडिया में नटमेग टॉक्सिसिटी के कुछ केस सामने भी आए हैं। एक 17 साल की लड़की नटमेग के पाउडर को मिल्क शेक में मिला के उसने कंज्यूम किया था। उसके बाद 1.5 घंटे के अंदर उसके बॉडी में सीवियर सिम्टम दिखाई देने शुरू हो गए थे। उसके बॉडी में हेलोजनेशन दिखने लगे, वोमिटिंग होने लगी, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगा, पल्पिलेशन होने लगी, घबराहट होने लगा, हार्ट बीट तेज हो गया, स्वेटिंग होने लगी, ये सारे सिम्टम दिखाए उसके अंदर देने लगे और सीरियस कंडीशन हो गया। जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला, डॉक्टर ने बताया कि उसके अंदर नटमेग की टॉक्सिसिटी एक्सेस मात्रा में थी। नटमेग की टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी में 1 से 1.5 घंटे में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इसे हम इंडियन मसालों में, जो हम मसाले खाते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। उसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि हमारे शरीर को कोई भी हार्म, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब एक्सेस मात्रा में कोई कंज्यूम करता है तो ये टॉक्सिसिटी जनरेट करता है बॉडी में। तीसरी टॉक्सिक चीज़ जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए वो है बिटर आलमंड। देखिए, मार्केट में 2 तरह के आलमंड पाए जाते हैं। एक होता है बिटर आलमंड, एक होता है स्वीट आलमंड। स्वीट आलमंड का कोई नुकसान नहीं है, आप मार्केट में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। और बिटर आलमंड के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है। और साइनाइड क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन अगर कोई है तो वो साइनाइड है, आप अच्छी तरह जानते हैं। सो इसके अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है। इसकी थोड़ी सी भी मात्रा मौत के लिए काफ़ी है। अगर 6 से 10 पीस भी अगर बिटर आलमंड कोई कंज्यूम करता है तो उसके अंदर इंस्टेंट सीवियर सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने 50 से 100 के आसपास खा लिया तो उस कंडीशन में मौत निश्चित है। अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, चौथी जो हमारा पॉइजनस फूड है वो है आधा पका हुआ राजमा। जी हाँ, राजमा में लैक्टिन होता है और अकॉर्डिंग टू FDA लैक्टिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अगर आधा पका हुआ राजमा को आप कंज्यूम करते हैं तो आपके अंदर पल्पिलेशन, एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, हार्ट बीट तेज हो जाना, बॉडी में दर्द होना, स्वेटिंग होना, क्योंकि टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे कि राजमा तो हम लोग खाते हैं, इस तब तो कोई परेशानी नहीं होती, हम बिल्कुल खा रहे हैं, स्वस्थ भी हैं। सही बात है, ये कैसे होता है अब समझते हैं। जब राजमा को अच्छी तरह पकाया जाता है, पूरी तेज आंच में गला करके पकाया जाता है, तो उसके अंदर सारी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाती है। और जब वो आधा पका है और पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ और लोग उसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी रह जाती है, जिसके वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और हमें बीमार कर सकता है। इसलिए जब भी राजमा का यूज़ करें तो उसे
उसे 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दें और उसे इतना आग पे पकाएं कि वो पूरी तरह गल जाए और उसके अंदर सारी टॉक्सिसिटी रिमूव हो जाए, तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें भी एक रिपोर्ट बताती है कि 10 से 15 अगर कच्चे राजमा को अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपके अंदर टॉक्सिसिटी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और आपको बीमार कर सकता है। इसलिए जब भी इस्तेमाल करें तो पूरी पका हुआ और अच्छी तरह बना हुआ ही खाएं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फैमिली में शेयर करें ताकि सब इससे अवेयर हो सकें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।